वेलकम बैक टू सारे इलेक्ट्रिकल। आज मैं दोस्तों 36 इंची सीलिंग फैन की रिवाइंडिंग करूंगा और दोस्तों हम इसे एल्युमिनियम से रिवाइंड करने वाले हैं। दोस्तों जो स्टार्टिंग का फर्मा सेट किया हमने 14 इंच पर सेट किया है और इसमें हम 34 नंबर से 560 टर्न डालेंगे स्टार्टिंग में। ये देखिए पहले कॉयल कंप्लीट करके मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद ही आगे कॉयल बनाता हूँ मैं हमेशा, ताकि हमारा फर्मा एकदम एक्यूरेट साइज आया है नहीं आया है। तो देखिए पहला कॉयल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने पहले कॉयल इसके पहले डाल लिया था जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया था। ये देखिए 6 कॉयल है दोस्तों, 6+6 कॉयल डालेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में भी 6 कॉयल और रनिंग में भी 6 कॉयल। तो इसे बोलेंगे दोस्तों 6+6। इसमें दोस्तों बीच में 2 स्लॉट छोटेंगी तो यानी कि पिच रहेगी 4। ये देखिए एक ही स्लॉट में हमें 3 राउंड घुमाने हैं। ये देख सकते हैं हम, आपको किसी तरीके की इसमें परेशानी नहीं होती डालने में, क्योंकि दोस्तों स्टेटर जो होता है ये आराम से आप इसके जो स्लॉट का साइज होता है स्टेटर का बीच में आराम से अच्छा खासा होता था, आप कॉयल आसानी से डाल सकते हैं। अब ये देखिए कॉयल ज़्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा हल्का फर्मा ठीक ठीक रखना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपको डालने में परेशानी हो रही तो आप ऐसे कॉयल को जिस तरीके से मैंने डाला है आप कॉयल को इस तरीके से डालेंगे ताकि हमारा वायर भी ना छिले और हमारा कॉयल भी आसानी से डल सके। ये देखिए कॉयल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम दोस्तों स्टार्टिंग इसकी कंप्लीट करेंगे। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं बोलूंगा नहीं, इसी तरीके से आपको डाल के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों स्टार्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए कट कर दी क्योंकि दोस्तों आगे भी मुझे इसी तरीके से 6 कॉइल डालने हैं तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका है। तो इसी तरीके से हम आगे अपना पंखा रिवाइंडिंग करेंगे। देखिए जॉनसन टेप आपको जब भी लगाते हैं आप इसे एक टुकड़े में लगाइए एक कॉइल पे, जिससे कि फिनिशिंग आपकी परफेक्ट आ सके। अब ये देखिए कनेक्शन समझ लीजिए, ये देखिए पहले कॉइल का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा है आपको पहले कॉइल का। ये देखिए अभी मैं दिखाया था आपको, पहला सिरा लेना है जिसमें हमने स्लिप डाली है एक नंबर की, इसी कॉइल का दूसरा सिरा वो छोड़ना है और अगले कॉइल का सिरा पकड़ना है। ये देख लीजिए मैंने अगले कॉइल का पहला सिरा ले लिया है और बीच में ये देखिए ये सिरा हमने छोड़ दिया है। ऐसे ही हम इसके कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, इसी तरीके से रनिंग के कनेक्शन होंगे और स्टार्टिंग के भी इसी तरीके से करेंगे। कनेक्शन करने के बाद दोस्तों जोड़ों को अच्छी तरह जला लीजिए, उसके बाद ही स्लिप बना के जॉनसन टेप लगाइए। ये देखिए जॉनसन टेप मैं इस तरीके से लगाता चल रहा हूँ। ये देखिए अब हमारी स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये कनेक्शन हमारे एकदम परफेक्ट आए दोस्तों। रनिंग का जो फर्मा है वो भी रहेगा हमारा 14 इंच पे ही और 34 नंबर से डालेंगे दोस्तों हम इसमें 600 टर्न है। स्टार्टिंग में डाली दोस्तों हमने 560 और रनिंग में डाली दोस्तों हमने 600 टर्न है। ये देखिए ये हमारे कॉइल 6 बन चुके हैं और हम अपने कॉइल डालने शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, कॉइल को दोस्तों आप हल्का सा खींच लेंगे क्योंकि लास्ट में आपको डालने में दिक्कत ना हो। ये देखिए तीसरा राउंड, अब ये वाला सिरा ये वाला कॉइल का ये वाली साइड तो आराम से डल जाती है, जो नेक्स्ट साइड है इसमें डालने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको उस कंडीशन में जिस तरीके से मैं डालूंगा उसी तरीके डालना है तो आप पंखा आसानी से रिवाइंडिंग कर पाएंगे। ये देखिए आप कॉइल कॉल का सा दबाने के बाद यहाँ से कॉइल कॉल का सा इस तरीके से खींचने के बाद कॉइल को थोड़ा थोड़ा जैसे मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़े टर्ने लेनी है और इस तरीके से आप अपने टर्ने कॉइल को डालते चलेंगे। अब ये देखिए जैसे कुछ जिस तरीके से वाइंडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें जैसे कि आप किसी भी तरीके से वाइंडिंग कर सकते हैं, आप इसे बेंच वाइज में यानी कि बाग में फंसा के भी कर सकते हैं, मैं इसे पैर में पकड़ के करता हूँ, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप काम को उस तरीके से कीजिए। सामने वाला क्या बोल रहा है भैया आपने क्या करके कर रखा, लेकिन आपकी मेन चीज़ तो है ना दोस्तों पंखे की स्पीड और क्वालिटी आपकी, वो चीज़ सही होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से काम कीजिए, बहुत सारे मुझे बोलते हैं भैया तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे काम को, आपको सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए आपके काम की, काम के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका काम ही आपके जो कस्टमर है वो ही बनाएगा और कस्टमर उसी चीज़ से आपके पास लोड कराएंगे। ये देखिए कॉइल हमारा डल चुका है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों अगर हम कॉइल ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये छोटे पंखों में क्या होता है 24 इंची 36 इंची में कॉइल हमारा जो कवर है उससे टकराने की हमेशा आशंका रहती है, तो कॉइल हमसे थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट साइज है फर्मे का। इसी तरीके से हम अपनी रनिंग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों धागा हम कंप्लीट करेंगे, एक स्लॉट छोड़ के एक स्लॉट धागा मारेंगे।
और धागा भी दोस्तों मैं इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी वीडियो में स्किप इसलिए कर देता हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना हो, पूरी वीडियो में दोस्तों मुझे वही काम करना है तो आप बोर भी नहीं होते, इसलिए मैं वीडियो, अगर आप इसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और समझने में सही तरीके से आपको समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि इसी तरीके से आप मैं वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी आती है तो आप लोग एंड तक देख नहीं पाते हैं, तो इसी कारण से दोस्तों वीडियो मैंने छोटी बनाने लगी हूं मैं। ये देखिए धागा हमारा कंप्लीट हो चुका है इसी प्रोसेस से, और सबसे पहले दोस्तों कनेक्शन की साइड से भी इस साइड से भी धागा मारेंगे, पहले को सेट कर लेते हैं, और जैसे हमने अपने स्टार्टिंग के कनेक्शन किए थे उसी प्रकार से रनिंग के कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चोल लगाने के बाद दोस्तों हमेशा स्लिपों को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उसके ऊपर रखने के बाद, ताकि उसमें बाद में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये देखिए जोड़ों को हमेशा स्लिप से कवर करते चलेंगे, इसके बाद हम इसमें लीड निकाल लेंगे। ये देखिए लीड लगानी हमने शुरू कर दिए, इसमें दोस्तों हम एक स्टार्टिंग में और एक रनिंग में हमने निकाली है ब्लैक ब्लैक, और ये देखिए कॉमन में हम निकालेंगे रेड, जिसमें हमने रनिंग स्टार्टिंग की जो क्वाइल्स से दो वायर आए ना उनको मिला दिए, तो होगा तीन तार के कनेक्शन। तीन तार के कनेक्शन करना दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, रनिंग और स्टार्टिंग से, यानी कि आपके समझ लीजिए दो स्टार्टिंग के क्वाइल है और दो रनिंग के क्वाइल में, यानी कि टोटल चार वायर बचे, तो आपको एक वायर लेना है रनिंग का और एक लेना है स्टार्टिंग का, दोनों क्वाइल के वायर को आपको मिला देना है और उसमें निकाल दीजिए कोई भी कलर, यानी मैं रेड ही निकालता हूँ, तो वो गई आपकी कॉमन, यानी कि उस पर कंडेंसर की लाइन, कंडेंसर नहीं जाएगा, खाली लाइन की जाएगी वायर, और बाकी जो दो पे निकालेंगे रनिंग स्टार्टिंग पे उन पे कंडेंसर जाएगी, और आप अपने चक्कर के अकॉर्डिंग जो सीलिंग फैन के चक्कर होते हैं, किसी मोटर के चक्कर होते हैं, उस पर लाइन डाल के चेक कर लीजिए, जिस पर चक्कर आपके सही आ रहे हैं रनिंग पे जाएंगे ऑब्वियसली चक्कर सही, तो आप उस पर अपनी दूसरी लाइन दे दीजिए। ये होगा तीन तार के कनेक्शन, और देखिए कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों धागा मारने से पहले आप लीडों की साइड से बांध दीजिए, ताकि आपकी लीडें इधर उधर ना भागे और आपको धागा मारने में परेशानी नहीं होगी और आप धागा आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। जितने भी जोड़ हैं या कनेक्शन हैं धागा, इस साइड आपको बहुत सावधानी से मारना होता है, और दोस्तों 34 नंबर है धागा भी इस तरीके से मारिए ताकि आपका वायर ना टूटे, क्योंकि दोस्तों कई बार अगर आप कॉइल को हाथ से नहीं दबाएंगे, जिस प्रकार से मैं लेफ्ट हैंड से कॉइल को दबाता हुआ चल रहा हूँ और धागे से भी खींचते हैं हम कॉइल को, तो धागा जब आप कॉइल को अगर सही तरीके से दबाएंगे नहीं और धागा खींचेंगे झटके से, आपका तार टूट जाएगा। जितने भी सीलिंग फैन होते हैं इनके अंदर अधिकतर यूज़ करने वाले जो वायर होते हैं, मैं वायर बता देता हूँ आपको, 34, 35, 36, ये तीन वायर का सीलिंग फैन में बहुत यूज़ होता है दोस्तों, यानी कि एपी फैन में भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये देखिए धागा हमारा कम्प्लीट हो चुका है, इसी तरीके की दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।